मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज जैसा कि आप जान रहे हैं कि पहले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि कोमल का वैक्सीनेशन है। अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो मैंने वैक्सीनेशन के बारे में बात किया है और वो है आज उसको लगने वाला। तो मैं आज स्कूल के लिए रेडी हो रही हूँ, अभी जाना है उसे लेकर के। आज ऐसे तो क्लास वगैरह इन लोग का नहीं है, लेकिन जाना है मुझे अभी लेकर के, बस पेरेंट्स के साथ जाना है वैक्सीनेशन करके फिर आ जाना है। तो मैं अभी जाऊंगी, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी सारे काम अपने निपटा लिए हैं घर के और ये नहा धोवा के कंप्लीट हूँ ले जाने के लिए। तो कोमल नाश्ता वगैरह करके यहाँ पे ड्रेसअप कर रही थी, अपना गेटअप सुधार रही थी। सोच रही थी सुबह से मैं जाऊँ, बाद में कह रही नहीं जाऊँगी, फिर मैंने इसे डांटा तो ये रेडी हो रही है अभी। तो ये देखिए हम लोग निकल चुके थे वैक्सीनेशन के लिए और यहाँ कोमल की फ्रेंड है, कोमल की फ्रेंड की मम्मी भी थी साथ में। हम लोग आमने सामने ही रहते हैं, वो लोग भी साथ में हमारे जा रही थी। जैसे हम लोग स्कूल पहुँचे और बच्चे लोग को क्लास में बैठाया गया था और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना क्राउड हो चुका था, जबकि हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पहुंच गए थे। टाइम से पहले हम लोग पहुंच गए थे बट इतना भीड़ लग चुका था। अभी इधर फिर बच्चे लोग को लाइन वाइज लगाया गया था, पेरेंट्स लोग भी साथ में ही थे, तो इतना काफ़ी भीड़ था कि क्या बताऊं। उसके बाद कोमल का वैक्सीनेशन हो चुका था, इसे कुछ देर के लिए क्लास में बैठाया गया था। ये कोमल की फ्रेंड भी एक साथ में ही थी। और ये देखिए इसी दौरान बाबू का भी छुट्टी हो जाता है, तो बाबू को हम लोगों ने साथ में ही रिसीव कर लिया है और ये हम लोग बाबू के साथ ही घर वापस हो रहे थे। तो फाइनली हम लोग घर आ गए हैं और जाने से पहले का टेंशन था कोमल को, इस वजह से नाश्ता वगैरह ढंग से नहीं की थी। अभी आने के बाद ही बोल रही मामा मुझे भूख लगा है तो पानी पीना है तो ये तो वो, और वहाँ डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि इंजेक्शन के बाद तुरंत कुछ नहीं लेना है, लगभग आधे घंटे तक आपको कुछ भी नहीं लेना है, पानी तक नहीं लेना है। और इसे पूछते हैं कि इसको वैक्सीन लगा के कैसा लगा, जब से फॉर्म फिल हुआ था तब से ये टेंशन में अपना टाइम बिता रही थी, बोल रही थी हमको इंजेक्शन लगेगा करके ये परेशान हो रही थी। और अभी इंजेक्शन लगा लिए तो बताओ बेटा कैसा लग रहा है इंजेक्शन लेके? तो पता ही नहीं चला, लगा भी नहीं एकदम, लेकिन बहुत भीड़ था क्योंकि सारे बच्चे लोग को एक ही मतलब सीक्वेंस में बुलाया गया था 6, 7, 8, 9 तक का, इस वजह से ज़्यादा क्राउड हो चुका था। वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम हुआ, गार्जियन लोग गुस्सा भी कर रहे थे और मतलब जैसा कि गर्मी है इस वजह से थोड़ा परेशानी पेरेंट्स लोग को उठाना पड़ा। अभी पानी नहीं पीना, 10-15 मिनट और भी किया, थोड़ा सा रुक जाओ उसके बाद पीना। हमको लग गया था मतलब इसको वाटर बोतल दिए हुए थे, कार में ही छोड़ के भागी जल्दी, मतलब जितना टेंशन उसको पहले नहीं लेने का था, उसके बाद जैसे ही स्कूल तक पहुंचती है कार में ये बोतल वगैरह छोड़ के जल्दी जाती है लाइन में लगने के लिए, क्योंकि पहले मेरा नंबर आए करके जल्दी लेकर के अभी आ चुकी है। अच्छा लग रहा है ना, दूसरा लोग ही ना, दूसरा वाला आज का व्लॉग हम यहीं एंड कर देते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में।